सो हाई एवरी वन, येस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो देखो, कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा फिनिश किया था। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया था गाइस। टुडे वी नीड टू स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 8। क्या कंसेप्ट है, क्या चल रहा है अपना एक्सरसाइज 5.2 में, क्या चल रहा है? यहाँ पे हम लोग किसी एक टर्म को टी अज्यूम करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को टी के टर्म्स में हम कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज ये पूरे को देखो ना, कितना डेंजर दिख रहा है, बहुत डेंजर दिख रहा है। क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का? यू हैव दिस, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है? नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो सिर्फ 4-5 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नीचे वाले टर्म को अगर मैं टी ले लूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर इस नीचे को टी ले लूँगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर को अगर अपन टी ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन देखना ज़रा। इधर 2x आ जाएगा और 6x का 6 आएगा। मैडम जी नहीं समझा, जिसको समझना था वो समझ गया, जिन्होंने पहले के लेक्चर देखे थे, जिसको नहीं समझा वो अब आ जाओ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x+3 को अगर हमने टी ले लिया, इसको पूरे दोनों को डिफ्रेंशिएट किया। क्यों डिफ्रेंशिएट? क्योंकि यहाँ dx दिख रहा है मुझे, ठीक है? तो डी बाई डी एक्स बोथ द साइड करो, ये हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, ये हो जाएगा तुम्हारा डी टी बाई डी एक्स। येस और नो बोलो, नहीं समझा तो इसको भी मिटाओ, वापस से अलग से करते हैं अपन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 6x+3 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। अरे अभी तो समझा, येस और नो? अब ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अब शॉर्टकट मारो 2x, इसका क्या हो जाएगा 6, 3 का 0, और इधर क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स आ रहा है। क्या ये डी एक्स को मैं यहीं से हटा के डी एक्स को यहाँ लिख दूँ? अब थोड़ा सा न्यूमरेटर देखना ज़रा, 2x+6 dx, इसके बदले में आप क्या लिख सकते हो डियर, क्या लिख सकते हो आप इसके पूरे के बदले में? डी टी। डन, पूरा क्वेश्चन तुम्हारा टी के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो गया है। ये हो जाएगा आपका सब्सटीट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको। यहाँ पे हमने टी को x2+6x+3 को टी सब्सटीट्यूट किया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, थोड़ा सा न्यूमरेटर वही, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ मिलता जुलता मिल रहा है, तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा टी के टर्म्स में हो गया। चलो आ जाओ देखते हैं। देखो 2x+6 dx, 2x+6 dx, क्या पुट करूँ, डी टी, ये लो जी डी टी पुट किया, और ये क्या हो गया 1/, आपने ये सिर्फ अंदर के टर्म को टी लिया था, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी। क्लियर टिल हियर एवरी वन? समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग? यस एवरी वन ऑफ यू? ओके नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, टी टू द पावर इस, अब ना थोड़ा सा कैन वी राइट दिस एज 1 t^-1/2 लिख दूँ क्या इसको, -1/2 dt लिख सकती हूँ? क्या हो जाएगा n, सॉरी nx n-1, यहाँ थोड़ी ना लगेगा, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x^(n+1)/(n+1), x t^(n+1)/(n+1), और आपने इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे प्लस सी। समझ में आया? अब क्या करोगे आप? अब तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये हो जाएगा तुम्हारा -1/2+1, मतलब टी इक्वल टू हाफ, और इधर क्या हो जाएगा 1/2+c, ये 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2√t+c, और ये 2√t+c, ये आंसर आ गया है। तो ये टी क्या था तुम्हारा, टी तो पूरा डिनोमिनेटर था यार, ये पूरा x^(x+6x+3) पुट कर दो इधर, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x^(x+6x+3)+c। गाइस दिस इज आर आंसर। डन एवरीवन? सिंपल है, यस और नो? वेरी सिंपल बोलो, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। यस ओके। अच्छा इसी का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी देखना ज़रा। आपको पता था वी हैव वन फॉर्मूला, एक अपन का कोरोलरी था, मतलब एक कंक्लूजन अपन ने निकाला था कि अंडर रूट ऑफ एफ एक्स और यहाँ पे f' x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 2
अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस सी दिखाया था मैंने आपको, दो रुको बताती हूँ, वापस से बताती हूँ, दो थ्योरम बोल दो, दो कंक्लूजन बोल दो, दो कोरोलरी बोल दो, आपके टेक्स्ट बुक में कोरोलरी बोला है उन्होंने, ये देखो, ये फर्स्ट और सेकंड देखना, नहीं एक मिनट, फर्स्ट मत देखो, फर्स्ट डेंजर लगेगा तुम्हें, सेकंड और थर्ड देखो, दिखा सेकंड, और ये फर्स्ट भी एक बार देख लो जरा, सेकंड ये वाला भी देख लो एक बार, सेकंड देख लो, थर्ड देखा, थर्ड यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते थे इस वाले क्वेश्चन में, सेकंड भी देख के रखो, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर मिलता है, एफ डैश एक्स मिलता है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, डायरेक्टली लिख दोगे लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, क्लियर। तो डायरेक्टली, अच्छा इस वाले पार्ट में, इस क्वेश्चन में, एट्थ वाले पार्ट में डायरेक्टली ये वाला पार्ट अप्लाई कर सकते हो तुम, बस तुम्हें क्या दिखाना है, ऑल्टरनेटिव मेथड अगर कभी सॉल्व करना है तो उसका प्रेजेंटेशन एक बार चेकआउट कर लो। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये जो मैंने सॉल्व किया आपके लिए पूरा, ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड यार, ठीक है। पूरा सॉल्व आपके, सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ अब आ जाओ डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने का, लेट आई इक्वल टू, पूरा क्वेश्चन लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये कितना है, 2x+6 है, ओके okay. तो इसका आंसर क्या है, फॉर्मूला क्या है, 2√x 2fx, fx मतलब डिनोमिनेटर वाला, fx मतलब गाइस डिनोमिनेटर वाला, तो 2√fx+c वही किया, देखो आई इक्वल टू, देखना जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसके बदले में क्या तुम ये लिख सकते हो, इस 2x के बदले में क्या तुम ये लिख सकते हो, तो ये क्या हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन है, ये अगर एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये अंडर रूट एफ एक्स है, तो ये तुम्हारा एफ डैश एक्स है या नहीं है ये बताना मुझे, वही है 2x+6 है, उसका एफ डैश एक्स है, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लिखो, या फिर एक और शॉर्टकट बताती हूँ, आप ये सब काट दो, ये सब भी काटो डायरेक्टली, ये सब से ये सब लिखो, और यहाँ पे बेहतरीन तरह से बताओ कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2√fx+c, गाइस मैं तो बोलती हूँ ये फॉर्मूले से करो ही मत, कन्फ्यूजन होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो, क्लियर, डन। फॉर्मूले भी यूज करने आ रहे हैं, थ्योरम भी यूज करने आ रहा है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, ओके। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, आगे बढ़ते हैं, अंडर इंटीग्रेशन ऑफ 1√x+x dx, अरे तेरी तो, अभी अगर मैंने गई, देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे प्लस साइन है, आप जब भी कुछ लेते हो ना, आप ऐसे टर्म को टी मानते हो जिसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये वाला पार्ट पूरा आपका यहाँ से आ जाए, इन डिफ्रेंसिएशन से आ जाए, आप इतने पार्ट को लाने की कोशिश करते हो, ठीक है, मतलब कुछ मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ मल्टीप्लिकेशन में है ही नहीं, अगर यहाँ पे 1/x होता था ना, तो तुम इसको मतलब टी को डिफ्रेंशिएट करके तुम इसको ये लाने की कोशिश करते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो एक काम करो, इसको और फर्दर सॉल्व करो, फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, डियो ध्यान से देखना, ये तो रूट एक्स है, इस एक्स को कैन यू राइट इट एज √x√x एक्स हो जाएगा, लिख लो यहाँ पे, सिंस ये सारी चीज़ें लिख कर रखना, एग्जाम के मोमेंट में परेशान होके कॉल करोगे आप कि मैडम किधर से आया, कहाँ आया, कुछ नहीं समझ रहा है, प्लीज़ राइट इट डाउन, आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें लिख कर रखो, ठीक है, क्लियर। तो इसके बदले में यहाँ पे ऐसा लिख दूँ, √x√x लिख दूँ इसके बदले में, तो यहाँ से नीचे से, अच्छा ये dx में लिखना मत भूलना, ठीक है, यहाँ से √x√x कॉमन निकलेगा, हटाओ √x कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या गया, 1+√x dx, चलो जो चाहिए था वो आ गया आपको, कुछ तो भी 1√x dx आ गया मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, कुछ भी आ गया, अब ट्राई करते हैं, अब अपन एक बार इसको टी लेकर सॉल्व करते हैं, आता है क्या कुछ, ठीक है, 1 प्लस
रूट एक्स इज इक्वल टू टी, लेट कर दिया अपन ने इसको टी भाई, लेट कि तुम टी हो जाओ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन कितना आ जाएगा, जीरो, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ कितना आ जाएगा बताना मुझे, एक्स टू द पावर हाफ मतलब एन एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यस और नो डियर? अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस, तो कोई सेंस ही नहीं बनता, सॉरी, वन बाय, ये कुछ नहीं है, वन बाय टू, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस हाफ मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स मतलब वन बाय टू रूट एक्स। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में वन बाय टू नहीं है, एक चीज़ नोटिस करना, क्वेश्चन में वन बाय टू नहीं है, यहाँ पे वन बाय रूट एक्स है, तो वन बाय रूट एक्स और डी एक्स है, ये लो डी एक्स, ये डी एक्स गया ऊपर, कौन सा डी एक्स मैडम, ये डी एक्स गया ऊपर, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा रूट एक्स नहीं सॉरी, टू डी टी हो गया, वो क्या हो गया तुम्हारा टू डी टी, ये टू इधर चला जाएगा, क्लियर दिस टर्म? यहाँ तक समझ में आया सभी को, यस और नो? आया अपने अपने आइडिया से, आया अपने मेथड से, आ रही है चीज़ें? कभी भी जब भी आप किसी को टी लेने की कोशिश करते हो ना, तो कुछ सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिख रहा है क्या, जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिख रहा था, तो अब अपन इसको लेंगे तो वो भले वो आ सकता है, आई एम नॉट सेइंग आएगा ही, आ सकता है, तो हमने करके देखा रफ में, ठीक है, यहाँ पे रफ में अपन ने करके देखा, ये एग्जाम में दिखाना रफ नहीं है, वो फेयर ही है, आ गया तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट एक्स डी एक्स के बदले में लिख दो टू डी टी, और ये हो जाएगा तू पूरा तुम्हारा टी, डन, टू निकल जाएगा बाहर, ये हो जाएगा वन बाय टी डी टी, और ऑलरेडी एक बार मिस्टेक कर ली थी कल अपन ने, ठीक है, इसको टी टू द पावर माइनस वन नहीं करोगे इंटीग्रेशन में, डिफ्रेंसिएशन वापस से बता दूँ, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है वन बाय एक्स, तो इंटीग्रेशन में ये हिंट होना चाहिए कि वन बाय एक्स का लॉग एक्स होता है, वन बाय टी का क्या हो जाएगा डियर, लॉग टी प्लस सी, और ये रहा उसका टू, डन, टी के बदले में पुट कर लो, ये हो गया तुम्हारा लॉग ऑफ टी, टी क्या लिया था तुमने, वन प्लस रूट एक्स प्लस सी। कभी सॉल्व नहीं हो पाया तो थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को ही एग्जैक्टली थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर सॉल्व करना, एक स्टेप फर्दर सॉल्व करना, तुम्हें ऑटोमेटिकली हिंट हो जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, डन एवरीवन, तोड़, समझ में आया? यो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.2, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर सिक्स प्लस वन डी एक्स, अरा गई, अभी मेरे को एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे, अच्छा ये मिटा रही हूँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स सिक्स, देखो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन में तो है ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स टू द पावर सिक्स प्लस वन को टी लेती हूँ, तो ये रहेगा मेरा सिक्स एक्स टू द पावर फाइव, और ये वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा सिक्स एक्स टू द पावर फाइव डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन में तो सिर्फ एक्स है, एक आइडिया, दोनों ऊपर नीचे अगर मैंने एक्स टू द पावर फाइव एक्स टू द पावर फाइव से मल्टीप्लाई कर लिया तो कैसा रहेगा, आ गया ना एक्स टू द पावर फाइव डी एक्स टू द पावर फाइव डी एक्स, हो गया पर्पस सॉल्व, और इधर एक्स टू द पावर सिक्स हो जाएगा, ये एक्स टू द पावर वन और ये एक्स टू द पावर फाइव, मल्टीप्लीकेशन होता है तो सम जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, समझ में आया मैडम क्या बोल रहे हो? अरे बाबा ये बताती हूँ मैं आपको, पहले ये बताओ मुझे एक्स टू द पावर फाइव से इंटू करूँ, हिंट हो रहा है माइंड में, क्लिक हुआ माइंड में ये पार्ट, वापस से बोल रही हूँ सॉल्व एग्जाम्पल्स करो, नहीं तो बहुत बुरी तरह, आप ये बोल रहे हो, आप एक्सक्यूज दे रहे हो कि मैडम एग्जाम में पूछने वाला ही नहीं है इस साल, तो हम क्यों करें? अरे भाई क्यों नहीं करना है, सेम ही क्यों नहीं करना है, अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए और अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो क्या सेंस बनता है, इतने पूरा मतलब 40 मार्क्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, और अगर आप सॉल्व,
मतलब कुछ तो भी ऐसी गड़बड़ करके आए, तो क्या सेंस बनता? 40 मार्क किसको बोलते रे, समझ में आया? नाउ आ जाओ इधर, ये क्या हो जाएगा अभी? मैं क्या इज एक्स टू द पावर 5 dx के बदले में कैन आई पुट एज योर 1/6 dt पुट करूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 1/6 dt, यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 × x^6 + 1 इंटीग्रेशन। क्लियर दिस स्टेप? क्लियर? यस। अब क्या करोगे, 1/6 को बाहर लेंगे, 1/6 बाहर, इधर क्या बचा? dt। अच्छा एक मिनट, ये क्या था? ये तो तुम्हारा t था, ये तो पूरा तुम्हारा t था, और यहाँ पे x^6 आया मैडम, तो x^ ये जो 6 है इसको t के टर्म में तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? कल ऐसे सम किए थे, x^6 क्या हो जाएगा? t-1। इसको क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे गड़बड़ हो जाएगी। क्या लिखोगे आप इसको? t-1 × t, ठीक है? अब क्या करोगे, t-1 हो रहा है ना, ये t-1 है, यहाँ पे इन्होंने क्यों गड़बड़ कर दी है? t-1 आएगा, गलत किया उन्होंने, ठीक है? अब क्या करोगे, क्या कर सकते हो वो करो, सॉल्व कर लो इसको और फर्दर सॉल्व करो। 1/6 dt t² - t। ओके, अब थोड़ा सेग्रीगेट कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/6 1/t² dt -1/t dt, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? यस और नो? 1/t, और ये हो गया, इनके कुछ माइनस साइन में हेरा फेरी है क्या यार? अपन अपना सॉल्व करते हैं, ठीक है, मालूम पड़ जाएगा अपन को। नाउ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इक्वल टू 1/6 t² इसका क्या हो गया, t का -2 बोलोगे आप, तो n+1 upon n+1 x^n+1 upon n+1, फॉर्मूला ध्यान से लगाना है यहाँ पे। अच्छा ये 1/6 कॉमन है, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई है। ओके, नाउ t^n+1 upon n+1, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे t^-1 मत करना गाइस, इंटीग्रेशन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यहीं पे गलतियाँ होती है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट की, और हम लोगों से भी कई बार गलतियाँ होती है, ठीक है? तो आपको एक बार गलती करके बताई थी, प्लीज़ अब गलती नहीं करेंगे, डायरेक्टली यू विल राइट इट एज -log mod t, और इस पूरे के बाहर +c। क्लियर? अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करो, 1/6 t^-1, और ये हो जाएगा तुम्हारा -1, एक मिनट, -1, ठीक है, यहाँ पे आता है -log mod t + c। अच्छा t^-1 को क्या मैं उसको नीचे भेजूँ क्या? ये जो -1 है क्या इसको मैं नीचे भेजूँ, t आ जाएगा? यस सर नो? बट यहाँ तो फिर भी माइनस है, कोई बात नहीं, देखते हैं। 1/6 -1/t बोलूँ इसको, एंड -log mod t + c, माइनस माइनस अगर दोनों साइड से आपने बाहर निकाला तो ये क्या हो जाएगा, कुछ तो माइनस साइन में हेरा फेरी हो रही है, पता नहीं क्यों। लेट मी चेक योर सॉल्यूशन। कुछ तो गड़बड़ है, या नोट्स में गड़बड़ है, या अपना गड़बड़ हो रहा है, कहीं तो गड़बड़ है यार। बट अपने में क्या प्रॉब्लम आएगी अगर अपन ने ऐसे किया तो? एक सेकेंड ना, अपने में क्या आ रहा है आंसर, एक बार अपन अपना सॉल्व करते हैं ये, और अपना आंसर आ रहा है -1/6। इसको लिखना मत, 2 सेकेंड रुको। 1/t, टी क्या लिया था तुमने एग्जैक्टली? टी क्या लिया था? एक्स को x^6 + 1। ओके, x^6 + 1 था, ठीक है,
माइनस साइन बाहर लिया, ये मेरा हो जाएगा एक्स टू द पावर सिक्स प्लस वन, और ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर सिक्स प्लस वन। ठीक है, सब सही है, सिर्फ कहीं पे एक माइनस साइन का मिस्टेक आ रहा है। विल चेक इट आउट नाउ। अब क्या हो जाएगा ये, अब क्या हो जाएगा भाई, दोनों साइड में लॉग आ रहा है। ओ शिट, ठीक तो है। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अपन ने यहीं पे मिस्टेक कर दी, डायरेक्ट अपन उसको स्प्लिट आउट कर सकते थे तो आंसर गड़बड़ नहीं आते थे। समझ में आ रहा है कहाँ मिस्टेक हुई अपनी? अपनी मिस्टेक ये हो गई है डियर कि अपन ने क्या किया है इस स्टेप में, किस स्टेप में बताती हूँ मैं आपको। यस, आंसर यहाँ पे भी लॉग आना चाहिए, तो ये आंसर अपना गलत आ रहा है जस्ट ड्यू टू वन मिस्टेक। वो मिस्टेक क्या है पहले वो ध्यान रखो, अपनी मिस्टेक ही हमारे लिए सबसे काम की चीज़ है। ठीक है, अपनी मिस्टेक हो रही है, देखो ये स्टेप यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, कौन सा स्टेप अपना सॉल्व किया सही आया है ये स्टेप देखो ज़रा। टी माइनस वन इंटू टी, टी माइनस वन इंटू टी कहाँ पर आया, ये यहाँ तक तो सबसे ही आया है, अपना माइनस आ रहा है, इनका प्लस आ रहा है ले। बट अपन सही है इस मामले में, तो अपन सही है यार। लेट मी चेक योर अनदर बुक। होता है कई बार टेक्स्ट बुक्स में भी, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, तो आई यूजुअली कीप लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स। ओके, ओके बॉस, ध्यान में आ गया, ध्यान में आया। चलो यही, इसी स्टेप में मिस्टेक हुई अपन से, तो ये स्टेप को हटाते हैं, इसके बाद का अपन वापस से सॉल्व करते हैं। कैसा होता है, जहाँ पे वन बाय टी दिख रहा है, अगर वहाँ पे तुमने लॉग टी नहीं निकाला तो तुम गए, बस वही पॉइंट पे मिस्टेक हुआ अपना। ठीक है, वो लॉग टी वाले के पॉइंट पे मिस्टेक हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, विल टेल यू। डियर समझ में आया क्या मिस्टेक कहाँ हुई है? हम लोगों ने क्या कर दिया है, इससे बोल रही, ये चैप्टर का हमने एक्स टू द पावर पूरे वन को हमने टी ले लिया। ठीक है, तो ये एक मेन मिस्टेक हो गई अपन से। यहाँ पे आप इस पूरे को टी ले ना लेते हुए आप एक्स टू द पावर सिक्स को आप टी लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स टू द पावर फाइव डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये सब समझा, अब शॉर्टकट किया मैंने डायरेक्टली, मुझे पता है यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स आता है, तो मैंने डी एक्स को पहले ही उधर भेज दिया। गाइस यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ये सब क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, एक मिनट। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन भी वापस से लिखते हैं। ये था तुम्हारा क्वेश्चन, वन अपॉन एक्स एक्स टू द पावर सिक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे एक्स टू द पावर फाइव डी एक्स चाहिए, यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो दोनों साइड में आपने एक्स टू द पावर फाइव और एक्स टू द पावर फाइव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये फाइव हो जाएगा और ये सिक्स हो जाएगा। समझ में आया? ओके नाउ, अब ये इस पार्ट को मतलब ये एक्स टू द पावर फाइव डी एक्स क्वेश्चन में ये मिल रहा है, तो इसको आप लिख दोगे डी टी अपॉन सिक्स, ये सिक्स इधर जाएगा, डी टी अपॉन सिक्स हो जाएगा, यस और नो? एक मिनट, एक ही स्टेप में नहीं लिखता है, एक स्टेप और करते हैं। एक्स टू द पावर फाइव डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय सिक्स डी टी, तो ये रहेगा तो हमारा डी टी अपॉन वन बाय सिक्स, यहाँ पे सिक्स आ जाएगा। ठीक है, और जो तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक्स टू द पावर सिक्स क्या है तुम्हारा टी, और ये कितना हो जाएगा टी प्लस वन। गॉट इट, मेन मिस्टेक अपन ने यहाँ कर दी। कई बार अगर आपने कुछ गलत अज्यूम कर लिया तो आंसर ऑल टुगेदर डिफरेंट आ जाएगा और एकदम गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में एक ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स टू द पावर सिक्स को ही टी लेंगे अपन। ठीक है, ओके नाउ, अब क्या हो जाएगा, ये वन बाय सिक्स कॉमन निकल जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा डी टी अपॉन टी
इंटू टी प्लस वन, ऐसा आ रहा है? यस और नो? ये देखो करेक्ट आया था मतलब, ठीक है यहाँ तक आ गया, ये स्टेप एग्जैक्टली मैच हो गया। बढ़ू आगे, अब क्या किया उन्होंने आपको, ठीक ऐसे एक सम अपन ने ऑलरेडी सॉल्व किया था जहाँ पे टी इंटू टी प्लस वन था और यहाँ पे वन डी टी था, तो तब उस केस में अपन ने यहाँ पे प्लस टी माइनस टी लिया था, याद आ रहा है? प्लस टी माइनस टी लिया था और ये इनका एक ब्रैकेट बना और इसको अलग एक ब्रैकेट बनाया था, याद आ रहा है? यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ किया है, यहाँ पे प्लस टी एंड माइनस टी किया। गाइस प्लीज़ ये स्टेप ध्यान रखना, ठीक है? कभी भी नीचे इस तरह से मिला ना आपको टी इंटू टी प्लस वन मिला, तो यहाँ पे आप ऊपर, और ऊपर में से वन है तो आपको समझ में आएगा जैसे आप प्लस टी और माइनस टी करते हो ना, तो ये एग्जैक्टली सेम बन जाता है। यहाँ पे भी देखो टी प्लस वन, यहाँ पे भी टी प्लस वन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 टी प्लस वन लिख दो इसको, माइनस टी अपॉन टी इंटू टी प्लस वन डी टी, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करेंगे अपन, ये हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन माइनस टी अपॉन टी इंटू टी प्लस वन। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा किया? अभी समझ में आ रहा है और अपनी क्या मिस्टेक्स हो रही थी? यस और नो? अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये तुरंत हो गया तुम्हारा 1/t, ये तुरंत हो गया तुम्हारा 1/t+1, तो ये हो गया तुम्हारा 1/6 लॉग ऑफ टी, ये हो गया तुम्हारा माइनस लॉग ऑफ टी प्लस वन होल का ब्रैकेट सी, और वापस से एक शॉर्टकट बन गया है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, मतलब लॉग ऑफ ए इंटू बी होता है तुम्हारा लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, बस लॉग ऑफ ए इंटू बी कर लो, सॉरी माइनस है लॉग ऑफ ए इंटू बी, तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी होता है ना, तो लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, तो लॉग ऑफ ए, इसको ए ले लो इसको बी ले लो, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 1/6 लॉग ऑफ टी, ये हो गया अपॉन टी प्लस वन, और हमेशा यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहता है, यहाँ पे हमेशा मॉड रहता है, तो यहाँ पे आप डालोगे मॉड, इंटीग्रेशन में हमेशा मॉड रहता है डियर, प्लस सी, तो दिस विल बी माई फाइनल आंसर, और जहाँ पे टी क्या है मेरा एग्जैक्टली एक्स टू द पावर 6 है, तो बस आंसर डन। गई तब आप खुद देखो, दिस वॉज मोर परफेक्ट आंसर रादर देन वॉट वी हैड सॉल्व, समझ में आया? यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक जा रही थी, समझ में आया कहाँ मिस्टेक्स हो रही है? कभी कुछ अतरंगी आए ना तो समझ जाना भाई कुछ गलत हो रहा है, ठीक है? अपन कहीं अतरंगी सेंस में चले गए थे, बहुत कुछ अलग से, कुछ अलग सी कुछ चीज़ें आ रही थी अपनी, ठीक है? डन एवरी वन, गाइस प्लीज हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो सॉल्व एग्जाम्पल्स का। अब मुझे तो पता है कि तुम लोग नहीं करने वाले हो, आई नो दिस वेरी वेल कि तुम लोग सॉल्व एग्जाम्पल नहीं करने वाले हो, तो आपकी मैम आपको क्लास में फटाफट से सिर्फ क्या सब्सटीट्यूट करना है उतना एक पार्ट में आपको बता के करवा के लेने वाले हो ना, ठीक है? वैसे ही करवा रही हूँ जैसे मैं सीए फाउंडेशन लेवल को करवाती हूँ, बिकॉज सीए फाउंडेशन में ऐसा होता है कि कवर भी सारी चीज़ें करनी होती है मुझे, मुझे खुद अपने हाथों से आपको सारे क्वेश्चन कवर करने होते हैं, एंड कुछ चीज़ें मैं आपके भरोसे पे छोड़ती नहीं हूँ बिकॉज मुझे आप लोगों पे भरोसा नहीं है, ठीक है? तो बस वही मेथड में अब इस सीए फाउंडेशन का यूज़ करने वाली हूँ। 5.1 एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ये रहा 5.2 के एग्जाम्पल्स, फास्ट ट्रैक मोड पे आ जाओ 5.2 के एग्जाम्पल्स की तरफ, सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है? सिर्फ क्या सब्सटीट्यूट करना है उतना बता देना, बाकी सब हो जाएगा। डन एवरी वन, तुम्हारी बुक सामने है, बुक ओपन करो, ऐसे शांति से बैठो, फास्ट ट्रैक मोड पे सिर्फ सब्सटीट्यूट क्या करना है उतना सीख लो, मोर देन इनफ है गाइस। डन, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि तुम्हारे एक भी क्वेश्चन, ये 40 मार्क्स में से एक भी क्वेश्चन छूटे गई, सीए फाउंडेशन का पूरा या सीएस फाउंडेशन, जो भी तुम आगे फर्दर स्टडीज में जाओगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, चाहे आप इसके बाद में बीएससी आईटी कर लो या कुछ भी कर लो यार, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अगर टेक्निकल फील्ड में जाना चाह रहे हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो बॉस पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी आएगा, ठीक है? यस, मैं करवा के देने वाली हूँ, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, लॉग एक्स, गाइस
लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x आता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x आता है, लॉग एक्स पुट करूंगी मैं यहाँ पे, लॉग एक्स को टी लूंगी। आपको भी क्लिक हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ इतना बता दो, माइंड में हिंट हुआ या नहीं हुआ? मुझे तो हुआ, आपको हुआ? यस, तुरंत क्लिक हुआ, क्वेश्चन देखते क्लिक होना मांगता, ठीक है? ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू डी टी अपॉन, सुनो ना, डी टी अपॉन डी एक्स लिखने से बेटर अब शॉर्ट में लिखेंगे अपन, 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, 1/x डी एक्स हो गया डी टी। तो ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा टी टू द पावर 7 अपॉन 1/x डी एक्स डी टी, तो डी टी हो गया। ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे टी टू द पावर 7 का क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 8/8 + c, डन। नाउ अच्छा मैम, यहाँ पे आप ऐसा भी तो करवा सकती थी कि यहाँ पे 1/x को अगर आपने टी क्यों नहीं लिया, आ जाओ लेकर देख लो, 1/x को टी ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर -1 होगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, इक्वल टू टी हो जाएगा तुम्हारा ये। अब एन एक्स एन माइनस वन का फॉर्मूला लगेगा, एन एक्स एन -1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। गाइस क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मैम दिख रहा था ना, 1/x दिख रहा था। आ जाओ वो भी करो, बताती हूँ आपको, वो भी कर ले डिया। मतलब ये तुम्हारा हो रहा है, मतलब तुम क्या डेंजर सोच रहे हो, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 7 है क्वेश्चन में, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है? तुम सिर्फ एक चीज के भरोसे पे चल रहे हो कि यहाँ पे आ गया है तुम्हारा डी टी बाई डी एक्स, तुम बोल रहे हो 1/x डी एक्स मिल गया है मैडम, तो इसको आप इधर के साइड डाल दो, माइनस डाल दो यहाँ पे, और इसको डाल दो एक्स डी टी, ऐसा कुछ कर दो। क्या करूँ फिर, कहाँ जाएगा ये दूसरा एक्स, कहाँ जाएगा? तुम एक एक्स को ले लोगे, दूसरा एक्स किधर जाएगा? अरे समझ में आया क्या, कंफ्यूजिंग बनता था, कंफ्यूजन होता था अगर 1/x को लिया होता था तो। गई बेटर, ये वो क्वेश्चन है जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 में मिस्टेक की, समझ में आ रहा है, तुरंत हिंट होता है। तो क्या लोगे इसको आप, लॉग एक्स को ले लोगे टी, 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, जब सीधा सीधा हो रहा है तो घूम के क्यों खाना खाना है, ठीक है? सीधा खाने 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 का ना, डन। यहाँ से कुछ गड़बड़ी आएगा, दिख ही रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड है, वहीं स्टॉप हो जाना, कॉम्प्लिकेशन आए वहीं स्टॉप हो जाना, फिर से टी को क्या लेना वो उसको ध्यान देना। चलो 1/2x + x^n, कभी भी ऐसा आता है ना, ठीक है, यहाँ पे मान लो आया e^-x, या फिर यहाँ पे आया x^-n, या फिर यहाँ पे आया x^-5, प्लीज इसको यहीं पे ही सॉल्व करना। x^-n को क्या लिख दोगे, 1/x^n लिखोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, मतलब एलसीएम लो, क्या हो जाएगा इस स्टेप का, ये स्टेप के आगे मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे तो x^n आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x × x^n, और यहाँ पे आएगा +1, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे x^1 है तो n+1 हो जाएगा क्या इसका आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये x^n ऊपर जाएगा, x^n अपॉन 2 × x^n है और x^1 है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, कैन आई राइट इट एज योर x^n + 1 + 1, लिखूँ 1/2 को बाहर डालूँ, x^n अपॉन x^n + 1 + 1 आ रहा है। अब बात आती है किसको टी लेना, इसको लेना या इस पूरे को लेना, ट्राई करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा, इतना तो श्योर है, या तो इसको या इस पूरे को टी लेते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, अगर यहीं पे सॉल्व करके बताती हूँ आपको, x^n + 1 को अगर मैंने टी लिया तो क्या हो जाएगा, एन एक्स एन -1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, गई यस और नो, एन ये +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x^n डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन में देखना ज़रा,
और अपना देखो डन, अपने आप माइंड में क्लिक हो गया कि यही लेंगे अपन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन एन प्लस वन। मैडम अभी ये तो डेंजर, अरे कॉन्स्टेंट है ना, एन कॉन्स्टेंट वैल्यू तो होती है ना, एन प्लस वन कॉन्स्टेंट वैल्यू आई है डियर, चिंता करने की बात ही नहीं हो, डायरेक्टली बाहर जाएगा। समझा क्या? नहीं समझा होगा, आ जाओ इधर। तुम क्या करोगे, यहाँ पे डीएक्स है रे बाबा, डीएक्स है, डीएक्स भूलना मत अब प्लीज गाइस, डीएक्स और सी भूलोगे बाद में बोलना मत, कितना भी अच्छे से मैंने करवा के दिया तुम गलतियाँ ही करोगे। अच्छा इसमें से ये देखो, इसके बदले में क्या लिख लूँ, डी टी अपॉन एन प्लस वन, ये समझा, इसके बदले में लिखा, और ये तुम्हारा, इसको क्या लिया हमने, टी लिया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टी प्लस वन, 1/2 हो गया डन। अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो है ये बाहर जाएगा बिकॉज वो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2। भाई इन्होंने टू कहाँ भेज दिया, अरे टू कहाँ भेज दिया इन्होंने, अच्छा इसको अंदर ही रखा है उधर, ओके ओ शिट, ये सिर्फ टू इसके साथ था, इसके साथ था यार, अपन ने पूरे को समझा और अपन ने पूरे को बाहर भेजा, ओ सो सॉरी, ये टू यहाँ है, ये टू यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2t+1 हो जाएगा। समझ में आया क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा 2t+1 हो जाएगा। गई अपने सिर्फ और सिर्फ इसको टी लिया है, इसी को टी लिया है, तो ये 2t होगा ना, यस और नो, यस और नो, समझ में आया, ध्यान देना, ये भी पूरे में से है, ये टू इसके साथ में भी है क्या, नहीं था, दोनों में होता था तो टू कॉमन निकल के बाहर होता था, ठीक है, तो इट वॉज मिस्टेक फ्रॉम माई एंड। नाउ अब क्या हो जाएगा, ये n+1 भी बाहर निकलेगा, सॉरी टू बाहर निकाला ही नहीं है आपने, आपने सिर्फ n+1 बाहर निकाला है, 1/n+1, और ये हो जाएगा 1/2t+1 dt। कैसे सॉल्व करोगे आप इस 2t+1 को, 2t+1 मैम पता नहीं, अरे क्यों, 1/x क्या होता है, log ऑफ x, तो इस पूरे का क्या आ जाएगा, डन, log ऑफ 2t+1, ठीक है, अपॉन, ध्यान देना, अपॉन 2+c, और यहां पे आएगा n+1। समझ में आया क्या, बोलो अपॉन 2 क्यों आया, ये समझा, अपॉन 2, ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, ax+b, तो डिफ्रेंसिएशन में वो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इंटीग्रेशन में वो 1/a, 1/a, 1/b, इस तरह से आ जाएगा, याद आ रहा है, फर्स्ट लेक्चर देख लेना, अगर नहीं ध्यान में आ रहा है कि मैम आपने नीचे 2 क्यों लिया, तो आप प्लीज़ और प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर देखोगे, वहां से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, दोनों को डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन को साथ साथ में रखते हुए सारी चीज़ें सॉल्व करवाई आपके मैम ने, ठीक है, ओके। तो बस अब ये टी के बदले में पुट कर लो, मैं यहीं पे पुट कर देती हूँ, ये टी को हटा देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ x^n+1, डन गाइस। अब ये टू बाहर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों में डिवीजन है, तो अब ये टू को आप बाहर लिख लो, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, और ये वही रूप आ जाएगा जो तुमको वो अपना स्वरूप दिखा रहा है, वही रूप आया, क्लियर, डन, बढ़ू आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार सॉल्व एग्जाम्पल तो आप मेरे साथ कर लो यार, मुझे सच में बिल्कुल भरोसा नहीं आप पे, आप करोगे या नहीं करोगे, इसमें किसको लूँ, पहली हिंट कॉम्प्लिकेटेड वाले को लेते हैं टी, दूसरी हिंट सॉल्व करके देख लेना, नहीं समझा तो किसको टी लेना, अगर मैं इस पूरे को लूँ तो, अच्छा मुझे अब एक बात बताना, ये पूरा इतना पूरा ब्रैकेट है, तो क्या मैं इसमें से सिर्फ x² को टी ले सकती हूँ, ठीक है पूरे को लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्यों लिया आपने ऐसा, ध्यान से देखना, मैंने किसको टी लिया, किसको लिया, पूरे ब्रैकेट को ही लिया है, x^n+1 को ही लिया है मैंने, समझ में आया क्या, समझ में आया, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे कुछ पावर्स है तो आप ले सकते हो, यहाँ पे नहीं है तो आप पूरे को लोगे, तो यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ x^-3x+5 को टी लेती हूँ इन केस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा -3, ये तो 0 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू डी टी, ठीक है, गाइस एक चीज दिख रही है मुझे, 4x और 6,
अगर इन दोनों में से टू को कॉमन निकाल लूँ ना तो ये आ जाएगा। फटक से टू को कॉमन निकालो, यही क्वेश्चन रखो यहाँ पे। टू कॉमन निकालो, टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, डी एक्स है नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव टू द पावर 3/2 है। ओके नाउ, अब ये क्वेश्चन में से किसको, इतने पूरे को आप क्या लिख सकते हो, इतने पूरे को आप क्या लिख सकते हो, डी टी, यस और नो? टू इंटू डी टी अपॉन टी टू द पावर 3/2, टू गया बाहर, 1/t^3/2 डी टी, इस 3/2 को ऊपर ले लो, तुम्हारा हो जाएगा -3/2। अब ये हो जाएगा तुम्हारा टी टू द पावर -3/2, ठीक है, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, कितना आ जाएगा तुम्हारा? सॉल्व करो गाइस, यू विल गेट योर आंसर। डन एवरीवन, कर लेंगे अभी खुद से। बोलो जी, समझ में आया किसको टी लेना है किसको नहीं लेना है? डन। यस राधिका, दिव्या, क्लियर है? ओके नाउ, अरे तेरी क्या बड़ा क्वेश्चन आया यार। एक्स प्लस वन, एक्स एक्स है इधर, प्लस लॉग एक्स, लॉग एक्स का तो 1/x होता है, एक्स प्लस लॉग एक्स टू द पावर 4 अपॉन -3x। गाइस थोड़ा सा एक चीज़ समझो, एक हिंट है, टेक्निकल वाले को थोड़ा सा अपन टी लेते हैं, तो एक लेट मी ट्राई, इसको एक बार टी लेके ट्राई करने दो, क्या आता है देखते हैं। एक्स का तो 1 हो जाएगा, इसका लॉग एक्स का 1/x हो जाता है, डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, लॉग एक्स का 1/x होगा, इंटीग्रेट करूंगी 1/x का तो लॉग एक्स आएगा। ध्यान रखना प्लीज़, इस केस में अच्छे अच्छों की मिस्टेक्स होती है। तो 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या आप इस क्वेश्चन को ऐसा कुछ बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हो। यहाँ पे देखो एक्स प्लस वन है और यहाँ पे एक्स है, इट्स नथिंग। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी ना तो तुम्हारा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ही आ जाएगा। करो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये लो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ कैन आई राइट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी? लिखूँ इनकी जगह तो इंटीग्रेशन में मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिर्फ डी टी पुट करना है, एक नंबर डी टी, और मैंने इस पूरे को टी लिया तो ये हो जाएगा मेरा टी टू द पावर 4 और ये हो जाएगा -1/3। तो ये ले भाई, -1/3 को मैंने बाहर निकाला, टी टू द पावर 5 अपॉन 5 -1/3 प्लस सी। डन एवरीवन, गॉट इट? बहुत ही सिंपल था यार ये तो, मस्त। अब आ जाओ फटाफट से, नीचे एफ एक्स है ऊपर एफ डैश एक्स है, तो डायरेक्टली आप लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आप लिख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें किसको मान लूँ, इसको लेके देखो, ई टू द पावर 3 to the power x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। मैम 1 को क्यों लिया, 1 का 0 आ जाएगा ना, इसलिए 1 को भी चिपका दिया साथ में मैंने। पूरे को मैं टी लिख सकती, तो 1 अपॉन टी लॉग टी आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर 3x का 3x ही रहेगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डियर, डिफरेंशिएट कर रहे हो, ई टू द पावर 3x का 3x इंटू 3 रहेगा, यस और नो? ई टू द पावर 3x को मैंने यू लिया, ई टू द पावर यू, ई टू द पावर यू, जिसको यू लिया डी बाय डी एक्स ऑफ 3x, चेन रूल, तो ई टू द पावर 3x इंटू 3, डन और नॉट? यस, अंडरस्टूड? डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट कर रहे थे इसलिए। नाउ प्लस 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा यहीं पे बाजू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो ये रहेगा 3 e to the power 3x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन में देखेंगे ज़रा, ये मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 dt। तो इस क्वेश्चन को अब अपन कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे के बदले में अपन लिख रहे हैं 1/3 dt, 1/3 बाहर निकाल दूँ डी टी, और ये क्या, पूरे को अपन ने टी लिया, सिंपल गाइस, 1/3 log of mod of t plus c।
टी के बदले में सिर्फ ये सब्सटीट्यूट कर लो, दिस विल बी योर आंसर। डन एवरीवन, क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे टी लेना है, किसको क्या सब्सटीट्यूट करना है? करो, जितने क्वेश्चंस करोगे तभी समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। डन। और 40 मार्क का सवाल है, 40 मार्क का सवाल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी और कुछ नहीं होना, ठीक है? और मैं खुद सॉल्व करवा रही हूँ, बस ये लेक्चर देख लो, बहुत जान पाता है ना तुमको, लेक्चर देख लो, मोर देन इनफ है, ठीक है? ये देखो आंसर सेम। चलो जी, अच्छा अब ये सब मिटाने दो मुझे। अब यहाँ पे क्या लोगे? 1/x। फिर मैं इसको टी ले लूँ क्या? लॉग ऑफ एक्स माइनस वन को अगर टी ले लिया तो ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा -0। लिखने का कोई सेंस नहीं, यहाँ पे लिख दो dx इज इक्वल टू डी टी। यो 1/x dx इज इक्वल टू डी टी, मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी। यस और नो? ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। डन। ये देखो अब ध्यान से, एक चीज यहाँ पे मिस्टेक वापस होने के चांसेस हैं। लॉग लिखा टी, टी क्या है? टी तुम्हारा पूरा है। लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी, तो कंफ्यूज नहीं होना लास्ट में जाके, इतना सही करने के बाद में गलती मत कर देना कि मैडम लॉग ऑफ जो है लिखने का, जो इसको टी लिया उसको पुट करने का मॉड के अंदर। क्लियर? सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा की आई है जहां पे अपन गलतियां करते हैं, बस वो क्वेश्चन को वापस से रिपीट करना है। जैसे एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो प्लीज एक बार ध्यान से रखना, वहां पे सिर्फ एक्स टू द पावर 6 को टी लेना है, बाकी किसी को नहीं। तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखा तो कुछ नहीं जाता। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं आगे। ई टू द पावर एक्स, गई ई टू द पावर एक्स प्लस वन, मुझे पता है इसको ही टी लूंगी मैं। क्यों? बिकॉज ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स को अगर मैंने टी लिया ना, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ई टू द पावर एक्स ही आता है, इसका वन आता है, ये हो गया तुम्हारा डी एक्स इक्वल टू डी टी। समझ में आया क्या? ये लो, तो गाइस कैन आई राइट पुट योर डायरेक्ट फॉर्मूला? मतलब मैडम, मतलब एफ एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकती हूँ क्या? प्लीज बताना। लॉग ऑफ एक्स, एफ एक्स क्या है? डिनोमिनेटर एफ एक्स है और ऊपर क्या है? एफ डैश एक्स है। तो ई टू द पावर एक्स प्लस सी, दोनों मेथड से आना चाहिए ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आना चाहिए, फॉर्मूले मेथड से भी आना चाहिए। बट मैम फिर ये लिख के दिखाना पड़ेगा ऑब्वियसली, इतना तो बताना पड़ेगा ना तुमको, इतना बताना पड़ेगा। तो स्टेप्स कौन से कटे? गट्टे, ये वाले स्टेप्स कटे आपके, ठीक है, सेम ही है, दोनों मेथड करो, उतना ही टाइम लगना है। क्लियर एवरीवन? तोड़ सिंपल है, कुछ बहुत टेक्निकल नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन है शायद, इसमें ज़्यादा नहीं है। इसमें किसको लेंगे अपन? देखो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स आएगा, या -1 है, लेकिन लेट्स सी, इसका ये आ सकता है बिल्कुल। चलो इसी को लेते हैं टी एक बार, ठीक है। ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर ई इज इक्वल टू टी, ये क्या हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे ई टू द पावर एक्स ही आएगा, और ये मैम ये तो नया दिख रहा है, एक्स टू द पावर एन मालूम है ना, बस वही करना है, एन एक्स एन -1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर? ये पार्ट क्लियर है? अब यार मुझे देखो ये सब मिल गया है, बस ये -1 नहीं मिला कहीं से, तो भी ये -1 नहीं मिला, और यहाँ पे एक ई एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ई नहीं है, तो एक काम करो ना, ई को कॉमन निकाल लो। ई को अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालती हूँ, पहले तो मुझे इतना बताओ, इसको कैन आई राइट इट एज योर ई टू द पावर एक्स है ना, इसको मैं -1 और +1 सब्सटीट्यूट करूँ क्या? गई -1 +1 डाला तो चलेगा क्या?
दोनों साथ में ना माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा ना, यस और नो? हाँ बोलो, हाँ ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स टू द पावर ई माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी। अच्छा अभी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक्स माइनस वन को साथ में लेना है, तो ये लो क्वेश्चन को, मैं एक्स माइनस वन को ले लिया और इस बेचारे ई को अलग कर दो। मतलब ये क्या करोगे आप, एक्स माइनस वन इंटू ई प्लस ई एक्स टू द पावर ई माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दोनों में ई ई कॉमन आया है, दोनों में ई ई को बाहर निकालो, कॉमन निकालो, ये हो जाएगा तुम्हारा ई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर ई माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये ई यहाँ से हटेगा तो ये कि इधर आ जाएगा वन अपॉन ई, तो यहाँ से इसे ई को हटा दूँ, यस और नो? आ गया ये ऊपर का पार्ट, न्यूमरेटर पूरा आ गया। क्या बच रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बच रहा है इस पूरे को, तो डिनोमिनेटर को तो आपने टी लिया वन बाय टी, और इस पूरे को ले लो डी टी अपॉन ई। ई क्या है तुम्हारा, कॉन्स्टेंट है, ई कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है, यस और नो? वन बाय ई वन बाय टी, गाइस वन बाय टी का होता है लॉग ऑफ टी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। टी क्या था, पूरा, इतने पूरे को आपने टी लिया था, पूरे को उधर डालो एंड प्लस सी। डन एवरी वन? समझ में आया कैसे करना है, सिंपल था, यस और नो? नाउ क्वेश्चन नंबर 9। हो एक्स लॉग एक्स, लॉग ऑफ एक्स, इसको टी लू क्या, इसको टी लू क्यों मैडम? 2 मिनट दो, बताती हूँ। अगर आप इसको टी लेते हो ना तो ये क्या हो जाएगा पता है, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपने टी लिया तो मुझे बताना लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाय एक्स, और एक्स क्या है यहाँ पे, या यू क्या है, लॉग यू है, वन बाय यू क्या है, लॉग ऑफ एक्स है। और जिसको यू लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करो, मतलब लॉग ऑफ एक्स को तुमने यू लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो गया, वापस से वन बाय एक्स आया, वापस से डी एक्स लिखो डी टी लिखो, यस और नो? डन, गॉट इट? समझ में आया क्या, हमेशा लॉग ऑफ एक्स आएगा ना, तो उसको टी लेने का। ये नाउ ये देखो, ये आ गया तुम्हारा एक्स लॉग एक्स, ठीक है, ये पूरा डी एक्स, और ये लो पूरे को तुमने सिर्फ और सिर्फ डी टी लिख दिया, तो ये इंटीग्रेशन डी टी अपॉन ये पूरे को तुमने टी लिया वापस से लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। आंसर कहाँ दिया है उन्होंने, डन? अब थोड़ा फास्ट ट्रैक बोर्ड पे चलेंगे, ठीक है? नाउ आपकी अच्छी खासी ग्रिप आ गई है, मैक्सिमम क्वेश्चन अपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 10 एक्सरसाइज के 10 सॉल्व एग्जांपल के। अब थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड पे चलेंगे, ठीक है? अब इधर क्या लेंगे, ऑब्वियसली इसको ले लो, जहां तक है मेजोरिटी केसेस में डिनोमिनेटर को ही आप टी लेते हो, 10 टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर 10। और थोड़ा सा ध्यान भी रखना, इसका क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, और इसका क्या हो जाएगा, 10 एक्स टू द पावर 9। डन, क्वेश्चन देखते ही डन है अपना, ए टू द पावर एक्स, अरे गई डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। एक बात बोल रही हूँ आपको, यू गाइज आर नॉट फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एंड यू गाइज आर नॉट फ्रॉम सीए फाउंडेशन, ठीक है? आपका बहुत ही छोटू से कुछ फॉर्मूले थे, गिनती के 5-6 फॉर्मूले थे, उसको लेके हवा नहीं बनाना इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन को लेके। असली रूप तो साइन कॉस टैन में दिखता है, सेक्स स्क्वायर टैन एक्स किधर का किधर क्या आता है उसमें, लिटरली मज़ा, असली मज़ा तो वहाँ आती है। आपको तो बहुत इजी था पार्ट है, समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ डरो मत, सिर्फ 6 फॉर्मूलेज है, आराम से इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस इट्स वेरी इजी। नाउ ये है, ये इसको तुमने टी लिया डिनोमिनेटर को, इसका क्या हो जाएगा, 10x इंटू लॉग ऑफ 10 आया, प्लस इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 10 टू द पावर x टू द पावर 9, एन एक्स एन एन माइनस वन, यस और नो गाइस? एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी,
ये पूरा dx इज इक्वल टू डी टी मतलब हो जाएगा 1/t डी टी लॉग टी प्लस सी। डन, आ जाओ इधर फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, मैंने हमेशा बताया था कभी भी माइनस का आएगा ना तो उसको सॉल्व करना। तो इसको लिखोगे 1/e टू द पावर एक्स, इन दोनों का एलसीएम लोगे, ये e टू द पावर एक्स ऊपर जाएगा, ये आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में ऑब्वियसली आप ये डिनोमिनेटर को ही टी लोगे। मैम यहाँ तो दिया ही नहीं है, मैं करके बताती हूँ ना, क्यों चिंता करते हो। e टू द पावर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी ले लो, इसका e टू द पावर एक्स आएगा, इसका 0 हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया, आ गया। इसको इंटीग्रेट करो, ये मत करो, ये उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, वो स्टेप मत करो। e टू द पावर एक्स ये कितना हो गया, डी टी अपॉन 1/t। गॉट इट, डन। यस दिव्या बोलो, समझ में आया, बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। टेक्स्ट बुक का मेथड मत करो, उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया। ओके, नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 12। ई टू द पावर 2x+1, नहीं समझो, 2x है क्या? तुम दोनों जगह देखो, इसको अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया ना तो इंटू टू के टर्म में कुछ डेंजर आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट विल डू, अपन इसको थोड़ा ये करते हैं, ई टू द पावर 2x को कैन आई राइट इट एज योर ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ऐसा लिखूँ क्या? बोलो जी, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एक काम करो, समझ में आ रहे हैं क्या बोल रही हूँ मैं आपको? बोलो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, अब आप इसमें क्या करोगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये स्टेप से ये वाला स्टेप तो आ गया, ये वाला पार्ट e टू द पावर वो -1 के बदले में e कहां से आया, वो समझ में आ रहा है क्या? वो नहीं समझा, बहुत इजी, ये नहीं बताना है मैंने, आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मल्टीप्लाई किया होगा या कॉमन निकाला है, वापस से बताना, सोच, मल्टीप्लाई किया या कॉमन निकाला? कॉमन निकाला, क्यों देख दिया, कॉमन क्यों निकाला? यहां से e टू द पावर एक्स कॉमन निकालता है, यस, यहां से ये तो हो गया 2x, ठीक है। नाउ अब मुझे एक बात बताना, माइनस है यहां पे, e टू द पावर -x लिख दूं क्या? तो ये दोनों, ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर -x, मतलब e टू द पावर x -x e टू द पावर 0 मतलब 1। गॉट इट, समझ में आया? कैसे किया? अरे समझा, वो एक्स और माइनस एक्स कैंसिल होके 0 होगा। मैडम नहीं समझा हमको, तो एक मिनट वापस से देखना जरा, एवरीवन ठीक है, प्लीज कंसंट्रेट। इन दोनों में से e टू द पावर एक्स कॉमन निकालोगे, तो इसमें से जब निकालोगे तो यहाँ तो e टू द पावर एक्स ही बचेगा, और जब इसमें से निकालोगे तो माइनस e टू द पावर एक्स, -1 है तो माइनस साइन है, ठीक है। इसका कुछ दिमाग नहीं लगाया तुमने, एज इट इज डाला, चलो कहा गया, हाँ ये तो साइन एज इट इज डाल दी। अब e टू द पावर एक्स है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो e टू द पावर -x लिखू क्या? जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स 0 1। डन एवरीवन, अब यहाँ पे भी वैसे ही कर दो, कॉमन निकालो, ये हो जाएगा तुम्हारा ई टू द पावर एक्स प्लस 1। गाइस अदरवाइज ये बहुत डेंजर सम है, इसको सॉल्व कैसे करोगे? कोई और ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास में, तो इसका एक इजी वे ये रहा।
अब आप क्या करोगे? अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, सॉरी, ई टू द पावर एक्स हो जाएगा ये, ठीक है जी। इसको भी आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वन है ना, वन है तो ई टू द पावर माइनस एक्स लेंगे, प्लस है तो प्लस साइन का प्लस साइन ही लिया, माइनस है तो माइनस साइन का माइनस साइन ही लिया है। ये देखो प्लस तो प्लस, सिर्फ वन के बदले में ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन निकाला, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। डन एवरी वन, समझ में आया बेटा ये पार्ट समझा अच्छी तरह से। अब आप क्या लोगे? अब बहुत सिंपल है, अब इसको उठा लो, बोल दो टी, इसका डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी मान ले, तो इसका तो यही आएगा, और ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, एन एक्स एन माइनस वन, तो क्या रहेगा माइनस ई टू द पावर माइनस, ये आ जाएगा। नहीं समझा तो इधर आ जाओ, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस साइन, ई टू द पावर इसको ले लो यू, ई टू द पावर यू का ई टू द पावर यू आता है, लिख ले ई टू द पावर यू, और जिसको यू लिया उसको वापस से डिफरेंशिएट कर, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स कर, क्या आया यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। क्या आया इसका? इसका आ जाएगा माइनस वन, तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, गॉट इट नाउ, डन, समझ में आया। माइनस एक्स का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस वन, एक्स का क्या होता है वन, माइनस एक्स का माइनस वन, डन। तो अब क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखना, कलर चेंज कर रही हूँ आपके लिए, ये स्टेप में ये पूरा गाइस, ये ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स कैंसिल हो गया, ये बचा, ये पूरा आपका आ गया है डी टी। अच्छा ये स्टेप हटाओ, उन लोगों ने डायरेक्टली फॉर्मूला पुट किया है, अपन डायरेक्टली करेंगे डी टी अपॉन, ये सबसे डी टी अपॉन टी लॉग ऑफ टी प्लस टी, तो क्लियर, यस और नो, डन, ओके। नेक्स्ट, अगर नीचे अंडर रूट ऑफ एफ एक्स है और ऊपर एफ डैश एक्स है, तो इसका ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो आप इसको लिख सकते हो टू रूट एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। ध्यान में रखो इनकेस अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन ध्यान में आते हैं तो पुट कर सकते हो। चलो जी, उन्होंने सेम क्वेश्चन दे भी दिया है, बट हम लोग इसे पहले, मेरा मेन मेथड आपको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ ना, फिर बीच बीच में फॉर्मूले भी मैंने यूज करवाने हैं आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ये, गाइस मुझे एक बात बताना, एक्स टू द पावर एन को अगर यहाँ पे टी ले लिया है तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये हो जाएगा वन बाय एन डी टी, यस और नो? ये लो वन डी टी अपॉन एन यहाँ लिख दिया, ये क्या हो गया तुम्हारा? मैम यहाँ पे आपने एक्स प्लस वन प्लस एक्स टू द पावर एन क्यों नहीं लिया? क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बनता था इसलिए नहीं लिया। देखो जरा नीचे जाके अंडर रूट का एक उन्होंने आपको वापस एक नया कंक्लूजन बताया है कि यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एफ एक्स है, समझ में आया क्यों नहीं लिया? एवरी वन क्लियर? तो ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे आप रूट को छोड़ देना भाई, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा, और अंदर ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ वन प्लस टी, तो अब इसका क्या हो जाएगा बोलो? टी टू द, इस पूरे का माइनस हाफ कर दोगे आप? एक मिनट मुझे करके दिखाने दो, शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ मैं आपको लिए। ये पूरे के बदले में क्या लिख दूँ? ये लिख दो, क्लियर। ये हो जाएगा तुम्हारा वन डी टी अपॉन एन लिख दूँ, क्लियर। ये हो जाएगा तुम्हारा वन अपॉन, ये तो वन है, अंडर रूट ऑफ वन है, और आपने टी किसको लिया? सिर्फ इसी को टी लिया, वन प्लस टी, डियर क्लियर? तो लिया क्वेश्चन फ्रेम किया, सिर्फ क्वेश्चन से डायरेक्ट किया अपन ने, डन, यस, ओके। अब क्या करेंगे अपन? नहीं समझना, अंडर रूट है, अगर ये अंडर रूट नहीं होता था तो डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला बन जाता था, अंडर रूट है, तो एक काम करते हैं, वन प्लस टी टू द पावर माइनस वन बाय टू हो जाएगा ये आपका, और ये वन बाय एन बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा डी टी। अब फॉर्मूला लगा दो, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये आंसर आएगा,
क्लियर, यहाँ पे क्यू वन प्लस एन नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ एक्स टू द पावर एन लिया, समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट बढ़ो, यहाँ पे किसको लोगे डायरेक्टली, सिर्फ और सिर्फ किसको ले रहे हो? पूरे को लिया इन्होंने यहाँ पे, क्यों क्यों पूरे को ले लिया? अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन में भी पूरे को एक बार ट्राई करके देखेगा क्या आता है, लेट्स सी। ठीक है, ये तुम्हारा करेक्ट वन है, यहाँ पे अपन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करते हैं, जब तक नहीं करेंगे ना तब तक होगा नहीं। आई डोंट नो यू गाइस डू इट और नॉट। वन प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू टी, अगर आता है तो बिंदास अपन वैसे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे भी देखो ठीक वैसे ही किया उन्होंने, ये क्या हो जाएगा जीरो, कोई सेंस नहीं। एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन एन, यहाँ तक क्लियर है? ये दिव्या यही क्वेश्चन वापस से कर रहे हैं बाय ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव में सिर्फ यहाँ पे यही डिफरेंस है कि मैंने वन को ले लिया है। तो इंटीग्रेशन, अब ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी अपॉन एन और वन अपॉन रूट टी, वन अपॉन रूट टी आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा पी टू द पावर माइनस वन, आंसर सेम आना चाहिए तो आप कर सकते हो, नहीं आंसर सेम आता है तो नहीं कर सकते, इन शॉर्ट इतना एक ही फंडा है। डी टी अपॉन, यहाँ पे डी टी लिखो, वन बाय एन को यहाँ डालो, एन माइनस वन है तो ये हो जाएगा तुम्हारा टी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वन बाय एन पूरे का ब्रैकेट प्लस सी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा टी टू द पावर हाफ और ये हो जाएगा तुम्हारा, इधर भी हाफ आ जाएगा तो ये टू हो जाएगा, टू अपॉन एन कर दो प्लस सी, कई आंसर सेम आ रहा है, बिंदास यू कैन सब्स्टिट्यूट बिंदास टू टू द पावर एन, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं बोल सकते आप। ठीक है, यहाँ पे तो वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस सी, यो तो यहाँ पे तुरंत अभी के अभी लिखोगे, तुरंत यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट बुक के ऊपर एक प्यारे अक्षरों में एक होगा यू कैन ऑल्सो टेक, मैं तो बोलती हूँ दोनों सॉल्यूशन प्लीज कॉपी करो, प्लीज कॉपी बोथ द सॉल्यूशन, फिर भी करने के बाद में यू कैन ऑल्सो टेक वन प्लस एक्स टू द पावर एन एस टी, इट विल गिव सेम रिजल्ट। ये लिखने के बाद में प्लीज ये पूरा कॉपी कर लो, सेकेंड मेथड वाला भी टाइप गाइस कॉपी कर लो। ठीक है जी, यस, ये समझने को भी इजी है बहुत, यस डन ओके थी, क्योंकि बिना सोचे आप एकदम आग बंद करके पूरे को टी ले लेते तो दैट इज मच इजीएस्ट है। तो फॉलो विथ आवर ऑल्टरनेटिव मेथड ओनली, ये मेथड फॉलो करो, ये वाला मत करो। ठीक है, अब यहां पे अब तो ये क्लियर हो जाएगा बहुत इजीली कि हमने क्या किया है, इस पूरे को ये अंडर रूट के अंदर का सामान इसको टी ले लिया, अंडर रूट ऑफ टी थ्री एक्स वाई डी एक्स, अब इजिली आ जाएगा, डन। बढ़ू आगे, बढ़ू प्लीज, इस तरह के क्वेश्चन अपन ने एक्सरसाइज में किए नहीं क्या? ओके, नो इश्यूज गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आपके लिए कुछ लॉजिक्स बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक किया है अभी, 15 एक बार एक काम करो बस, 15 क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 एटलीस्ट ट्राई तो करो, ट्राई करो क्या नया और क्या डिफरेंस दिख रहा है, प्लीज लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, चार क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करो, कुछ तो नया दिखेगा, कुछ तो लॉजिक दिखेगा, प्लीज लेट मी नो। यहाँ पे एक ही चीज है यार, यहाँ पे ये वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में देखना, मतलब सिर्फ ए माइनस बी या ए प्लस बी नहीं आ रहा है यहाँ पे, आप अच्छे खासे टर्म को आप यहाँ पे ये ले लो।
कर ले पक्का। श्योर दिव्या, रेडी है? यस पक्का, फास्ट ट्रैक मोड पे करता है, ठीक है? ओके बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है वो ये क्वेश्चंस, बस यहाँ पे ऐसा है कि कुछ एक्स के अपॉन्स में आएगा, मतलब थोड़ा सा एक लेंथी सम बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं। चलो आ जाओ, अभी चार क्वेश्चन बचे यार, फिनिश कर ही लेते हैं, ठीक है? एवरीवन गाइस रेडी? देखो इधर, इवैल्यूएट करना है क्वेश्चन नंबर 15, इवैल्यूएट 2x प्लस 1 एंड x माइनस 4। इसको क्या ले लिया, इसको x माइनस 4 को क्या ले लिया आपने, t ले लिया है। इसका हो गया 1, माइनस 4 का हो गया 0, मतलब dx इक्वल टू dt। तुमने इसको तो अंडर रूट टी बन गया तुम्हारा क्वेश्चन, ध्यान से देना, देखना अभी, ये क्वेश्चन तुम्हारा अंडर रूट ऑफ टी बन गया, ठीक है? इसको तो अंडर रूट टी बोल दिया, अब ये इसको क्या करोगे, एक्स आ रहा है बीच में, एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स निकालो, ये माइनस फोर इधर जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, टी प्लस फोर हो जाएगा। एवरीवन, तो बस ये टू इंटू टी प्लस फोर ईजी है, इतना कुछ भी टेक्निकल नहीं है, प्लस वन कर दो, ठीक है? यस और नो? अब ये कितना हो गया तुम्हारा, एक मिनट, अब तुम ये dx से बदले में क्या लिख सकते हो, dt, ये हो गया तुम्हारा dt। बस फटाफट से इस तरह से अपन ने पुट किया, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा 2t, ये हो गया तुम्हारा 4 टू द 8, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 1 9, तो 2t प्लस 9 अंडर रूट टी dt। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, यस एग्जैक्टली टू, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है, इसको आप लिख दो टी टू द पावर हाफ, इस टू टू द पावर हाफ को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा तुम्हारा टी टू द पावर वन प्लस हाफ, मतलब हो जाएगा टू टी थ्री बाय टू, ये हो जाएगा तुम्हारा नाइन टी बाय हाफ डी टी। बस अब एक एक को, एक एक को लेके इंटीग्रेट करो, ये हो जाएगा तुम्हारा थ्री बाय टू प्लस वन, ठीक है, अपॉन थ्री बाय टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइव बाय टू, तो ये थे टी टू द पावर फाइव बाय टू, फाइव बाय टू, ये हो जाएगा थ्री बाय टू प्लस सी, क्लियर? और लास्ट में पूरे इस टी की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, डन? ये फास्ट ट्रैक मोड पे करते हैं, चिंता मत करो, फटाफट निपटाते हैं, ठीक है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अब समझ में आ रहा है राइट? क्वेश्चन नंबर 16 में अगर मैंने इसको टी ले लिया अगर हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो माइनस थ्री dx इज इक्वल टू डी टी, मतलब dx हो जाएगा तुम्हारा माइनस वन बाय थ्री डी टी। बस पुट करो, तो ये इसका क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो जाएगा आपका, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा फाइव माइनस थ्री एक्स है, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या लिया तुमने, टू माइनस थ्री एक्स को t लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे बता, सिर्फ x की वैल्यू बता दे, x की वैल्यू निकालनी है, हाँ जी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा थ्री एक्स को इधर डालो, पॉजिटिव थ्री एक्स हो जाएगा, टू माइनस टी हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा टू माइनस टी अपॉन थ्री, क्या मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, फाइव माइनस थ्री, यहाँ पे देखना थ्री और एक्स क्या आ रहा है मेरा, टू माइनस टी अपॉन थ्री, और ये पूरा का तुमने तो टी ले लिया, टी टू तो पार माइनस हाफ ले लिया, और ये डी एक्स के बदले में क्या लिख रहे हो के, माइनस वन बाय थ्री डी टी, माइनस वन बाय थ्री बाहर चला जाएगा। अब बहुत सिंपल है, अब कुछ भी नहीं है, माइनस वन बाय थ्री बाहर जाएगा, तुम इन दोनों को ब्रैकेट ओपन करोगे, ठीक है? सबसे पहले देख, ये थ्री क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा, फाइव माइनस टू, माइनस टू एंड प्लस टी, अब यहाँ पे टी टू द पावर माइनस हाफ, ये माइनस वन बाय थ्री बाहर गया डी टी, अब ये माइनस टी, टी टू द पावर माइनस हाफ को ब्रैकेट में लो, ओपन करो, ठीक है? अब बहुत सिंपल, अब कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, क्लियर? ये तो हो गया तुम्हारा थ्री टी, इसको कर और इसको करो, डन। अब फटाफट से ब्रैकेट इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेट कर लेना, सॉल्व कर दोगे, क्लियर है, समझ में आ जाएगा, एक बार सॉल्व करो, ठीक है? नहीं समझेगा तो आई एम देयर, चिंता मत करो। नाउ अगेन इसको ले लो टी, थोड़ा टेक्निकल वाले को अपन टी लेते हैं, मोस्टली डिनोमिनेटर साइड को ही टी लिया जाता है, ओके? तो इसको अगर मैंने टी लिया, तो ये हो जाएगा मेरा टू एक्स, टू वन, मतलब टू डी एक्स
ये तो जीरो हो गया, इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू, डी एक्स के बदले में डाल दी डी टी अपॉन टू, ये पूरा हो गया तुम्हारा। अच्छा इसके बाद में एक्स निकालना पड़ेगा, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन किया है हमने, नहीं कि ऐसा नहीं है, सिंपल ही है ये भी। टू एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री अपॉन टू, तो इस पूरे को फाइव टी माइनस थ्री बाय टू का होल स्क्वायर प्लस फोर टी माइनस थ्री बाय टू प्लस सेवन, ये हो जाएगा तुम्हारा टी थ्री बाय टू, और डी एक्स के बदले में क्या लिखोगे डी टी बाय टू, तो वन बाय टू डी टी। डन एवरी वन, अब सिर्फ ये ब्रैकेट ओपन करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो, ये एज इट इज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बहुत सिंपल है, अब सिर्फ आप सॉल्व करते जाओगे आपको खुद ब खुद बनते जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होगी, एक शॉर्ट बनेगा, ठीक है। इसको आप ऊपर लेकर आओगे, माइनस थ्री बाय टू होगा, ये टू है तो टू माइनस थ्री बाय टू क्या हो जाएगा, सिंपल है गाइस, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में किसको लेंगे, इसको ले लो एक बार टी, टी का स्क्वायर हो जाएगा ये, ये क्या हो जाएगा वन का जीरो हो जाता है, फोर एक्स क्यूब डी एक्स, ऊपर नहीं दिख रहा है चिंता ना करो, एक्स क्यूब तो दिख रहा है ऊपर, ऊपर एक्स क्यूब दिख रहा है, ओपन कर देंगे अपन इसको, क्या कर देंगे एक्स टू द पावर फोर इंटू एक्स टू द पावर क्यूब, अब दिख गया एक्स क्यूब डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय फोर, एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू, इसके बदले में डाल दे डी टी बाय फोर, ठीक है। अब यहां से एक्स टू द पावर फोर की वैल्यू निकाल ले, एक्स टू द पावर फोर क्या रहेगा टी माइनस वन, सिंपल है, ये क्वेश्चन भी अपने शायद किया है पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसके बदले में क्या डाला आपने डी टी बाई फोर, मतलब वन बाय फोर डी टी, ये क्या हो गया तुम्हारा टी माइनस वन, और ये क्या हो गया तुम्हारा, ये पूरा का पूरा मैंने टी का लिया तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। डन गाइस, बस फटाफट से इसको आप ब्रैकेट ओपन करोगे, मतलब इसको टी अपॉन टी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, देखो एक मिनट, इंटीग्रेट को बस ओपन करना है, ये हो जाएगा तुम्हारा टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे डी टी डाल दे, यहाँ पे डी टी डाल दे, ठीक है। पूरा ब्रैकेट लिखा है मैंने यहाँ पे, अदरवाइज वन बाय फोर दोनों साइड कर देना, अगर आपको लगता है आप कन्फ्यूज हो जाओगे भूल जाओगे तो, ये टी टी कैंसिल, वन बाय टी वन बाय टी स्क्वायर, सिंपल है। टी टू इसका तो डायरेक्टली लॉग टी आएगा, और ये टी टू दो बार माइनस वन बाय टू को अपन सॉल्व करेंगे, क्लियर है गाइस। इट्स रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू, येस वी हैड फिनिश योर सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑल्सो, ठीक है। इंटीग्रेशन था यार, जिम्मेदारी बनती थी क्योंकि तुम लोग सॉल्व करने से रहे, ठीक है, और इस बार तो बोल भी दिया था कि बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला नहीं है, तो दिक्कत वाली बात हो जाने थी, ठीक है। तो वी हैड सॉल्व, अब ये 40 मार्क के इधर के उधर मत करना, बस एक एक बार एटलीस्ट अच्छी तरह से प्लीज प्रैक्टिस करोगे, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन के हर एक क्वेश्चन 3 times प्रैक्टिस करो, इफ यू वॉन्ट टू बी 100% मार्क्स, मतलब आउट ऑफ मार्क्स चाहिए अगर मैथमेटिक्स में, प्लीज सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन 3 times, रिपीटेड है तो छोड़ दो, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के तो रिपीटेड भी सॉल्व करना है, ठीक है जी। डन, सो वी हैड फिनिश योर एक्सरसाइज 5.2 विथ योर सॉल्व एग्जाम्पल्स, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी ट्राइंग, विल मूव अहेड विथ योर एक्सरसाइज 5.3 5.3 के कंसेप्ट के लेंगे, इंटीग्रल्स यहाँ पे है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन। तो इन नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर वी विल फिनिश योर 5.3। डन, हाँ ये है कुछ भारी वाले सम्स, मतलब फॉर्मूले रहे तो आपके, ठीक है। अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, 5.3 तक कोई दिक्कत नहीं, 5.4 से दिक्कतें शुरू होगी। डन, चलो सो वी विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।